तो दोस्तों हमने कलर नापने के लिए 100 ml की बोतल ली है और उसके ऊपर ये नीचा लगाया ताकि हमें पता चले। दोस्तों हमने ये पूरी प्रोसेस में 200 ml कलर यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहले बारी बारी कलर नाप के ये का डब्बा काटा उसमें रख लेते हैं और एक और बार हमने ये 100 ml कलर कर गए, टोटल 200 ml कलर कर देते हैं हम। ये प्रोसेस अच्छे से हो इसलिए हमने नया ब्रश यूज़ किया है। तो दोस्तों ये ब्रश 75 mm का है, यानी कि 3 इंच का है, और ये दोस्तों इसी से हम ये मेटल शीट पर कलर करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों कलर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम हॉरिजॉन्टली ब्रश चला के कलर करते हैं और इसी तरह पूरी शीट में हम हॉरिजॉन्टली ब्रश चला के कलर कर देंगे। हमारी बॉर्डर अच्छे से हो इसलिए हम पहले चारों तरफ से बॉर्डर कर लेते हैं। तो दोस्तों आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव है या हमें प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, या फिर पेंटिंग से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों हम वापस चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। तो दोस्तों आपको ये लाइन दिख रहेगी, इसको हटाने के लिए हम पहले स्टार्ट से एंड तक हॉरिजॉन्टली पूरा ब्रश घुमा के देख लेते हैं शीट पर, और फिर हम वर्टिकली ब्रश घुमा के पूरी शीट में कलर कर लेते हैं ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छा है, जो हॉरिजॉन्टल में लाइंस वगैरह थी वो निकल जाएगी और अच्छे से आएगी, इसलिए हम पूरे शीट में ये वर्टिकली ब्रश घुमा देते हैं। हमें पूरा अच्छे से कलर करने में तकरीबन 2 मिनट जितना टाइम लगा है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आपकी स्पीड कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लगता है, मुझे तो 2 मिनट लगा है। तो दोस्तों हमने ये ब्रश से कर लिया है, आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है, हमारा पूरी तरीके से अच्छा लगा, थोड़ी शाइनिंग भी आ रही है। तो दोस्तों अब हम इसे साइड में रखते हैं और एक नई शीट लेते हैं जिसमें हम स्प्रे पेंटिंग करने वाले हैं, तो इसको मैं पहले हटा लेता हूँ। एक और मेटल की शीट ला के हम यहाँ पे रखते हैं, इसके ऊपर हम स्प्रे पेंटिंग करके देखेंगे फिनिशिंग के साथ है, तो पहले इसे सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये 200 ml कलर लिया था उसमें से कितना बचा है वो देख लेते हैं। ये 100 ml हुआ है, इसको हम पहले साइड में रख लेते हैं और थोड़ा और बचा है वो देख लेते हैं। ये तकरीबन 20 ml कलर है, यानी कि टोटल 120 ml कलर बचा है हमारा 200 ml में से। तो दोस्तों देख सकते हो आप हमारे पास ये स्प्रे गन है, इसी से हम ये मेटल की शीट पर कलर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने ब्रश में 200 ml कलर लिया था तो इसी तरह हम इसमें भी 200 ml कलर लेते हैं। तो दोस्तों याद हो तो आपने हमने इसी से कलर नापा था, तो हम बारी बारी करके 200 ml कलर ले लेते हैं स्प्रे गन में डालने के लिए। तो दोस्तों हम कलर को कॉटन के कपड़े से छान के इस जन में डाल रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करेंगे तो कलर में कचरा हो सकता है या कलर के पपड़ी हो वो जाके गन के नोजल में फंस सकती है और हमारा कलर आगे निकल नहीं पाएगा गन से, तो हमने ये छान के लिया है। तो अभी हम गन का ढक्कन लगा के कलर स्टार्ट करते हैं। गन को हमेशा मेटल के सरफेस से स्ट्रेट में पकड़े और हॉरिजॉन्टली कलर करें ताकि हमें कलर करने में आसानी हो, और स्प्रे ऐसे चलाएं मतलब पूरी लाइन पड़नी चाहिए, एक ही तरह से कलर होता है, पर ऊपर नीचे या जल्दी में करेंगे तो कलर अच्छे से होगा नहीं और कहीं और पे ड्रिप भी हो सकता है, मतलब कहीं और पे पकड़ के रखा हमने एक ही जगह पे तो वो कलर निकलता रहेगा और ड्रिप हो सकता है, इसलिए हमें आराम से और हाथ का मूवमेंट स्टार्ट रखते ही कलर करना है। तो दोस्तों हमें स्प्रे से करने में 1 ही मिनट लगा है, ब्रश में 2 मिनट लगाया था, तो स्प्रे हमारा टाइम अच्छे से बचा लेता है और दोस्तों ये इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा।